सफलता पर कहते हैं ना, कोई भी ट्रेनर सफलता के द्वार खोल सकता है, पर एंटर किसको होना पड़ता है? खुद को ही होना पड़ता है। क्लियरिंग विजन बिफोर स्टार्ट वर्किंग। जब आपकी टीम में लोग कहते हैं, सर हमारी टीम में लोग ज्वाइन हो रहे हैं पर काम नहीं कर रहे, हमारी टीम दिन ब दिन बढ़ती है पर बनती है डेड बुक होती है, कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। हमारे गुरुजी कितनी शानदार स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार कहते गुरुजी जा रहे थे तो रास्ते में दो बंदे मिले उनको, एक गड्ढा खोद रहा था, दूसरा उसमें मिट्टी डाल रहा था। एक गड्ढा खोद रहा था, दूसरा मिट्टी डाल रहा था। गुरुजी कहते यार जब मिट्टी ही डालनी है तो गड्ढा खोद ही क्यों रहे हो? वो एक बंदा कहता है यार तू अपना काम कर, हमें अपना करने दे। गुरुजी कहते नहीं यार, रीजन क्या है, जब एक बंदा गड्ढा खोद रहा है दूसरा मिट्टी डाल रहा है, तो फिर अगर गड्ढा खोद के मिट्टी डालनी है तो गड्ढा खोद ही क्यों रहे हो? तो दूसरा कहता, एक बंदा कहता ना, कहता यार हम तीन लोग होते हैं, एक गड्ढा खोदता है, दूसरा उसमें पौधा लगाता है, तीसरा मिट्टी डालता है। पौधा लगाने वाला काम आया नहीं आज, हम अपना काम करे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम भी क्या करे जा रहे हैं, एंट्री निकाले जा रहे हैं, डेड किए जा रहे हैं, एंट्री निकल रही है, एंट्री डेड हो रही है। कारण क्या है? एग्जिट गेट बंद करना पड़ेगा। एंट्री पे जितनी एंट्री पे भीड़ है ना, एंट्री पे भीड़ ज्यादा लानी पड़ेगी और एग्जिट गेट पे भीड़ कम करनी पड़ेगी। ये कब होगा? जब आपको विजन क्लियर करना आ जाएगा। देखो हमारे गुरुजी कहते हैं फर्स्ट यू लर्न देन यू टीच हाउ टू टीच। पहले आप सीखोगे, फिर आप सिखाओगे आप कैसे सिखाना है, अब आप फ्री होगे। फर्स्ट यू लर्न देन यू टीच हाउ टू टीच।